एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया था, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ध्यान सुन लेंगे एक बार, हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और रोटेटरी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्लियर, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और रोटेटरी, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स पढ़े थे हमने और दूसरे पढ़े थे हमने रोटेटरी एलिमेंट्स, रोटेटरी एलिमेंट्स, रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स हमने दो पढ़े थे, COS और POS, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये पढ़ा था, और रोटेटरी एलिमेंट्स में, रोटेटरी एलिमेंट्स में हमारे पास था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने बताया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता कायरलिटी पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे या इनएक्टिविटी पे, क्लियर, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे या इनएक्टिविटी पे रोटेटरी एलिमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर आ गई, क्लियर, अगर ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई तो उससे उससे ये हमें कंफर्म हो जाता है कि उसके पास, अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि एलिमेंट के पास या तो COS होगा या POS होगा या दोनों होंगे। ध्यान रखना, COS या POS यही दोनों कायरलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर COS आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव या एकायरल, अगर POS आ गया तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और एकायरल, दोनों आ गए तब तो होगा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव। AOS कभी भी कायरलिटी को अफेक्ट नहीं करता, AOS कभी भी कायरलिटी को अफेक्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना है। एक तो सही ना, अगर मॉलिक्यूल के पास COS या POS नहीं है, COS या POS नहीं है और AOS भी नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक कहेंगे, यानी जो सिमेट्रिक नहीं है। और अगर मॉलिक्यूल के पास, ध्यान सुनना लाइन अगली, अगर मॉलिक्यूल के पास COS और POS नहीं है लेकिन AOS है तो कहेंगे डाइसिमेट्रिक, तो कहेंगे डाइसिमेट्रिक, ये लास्ट से मैंने बताया था। बट इन बोथ द केसेस मॉलिक्यूल विल बी काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, काइरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर, इन बोथ द केसेस मॉलिक्यूल विल बी काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, सपोज ये लिया CH, H, H और CL, ये ले लिया। अब मैंने तुमसे पूछा इसके अंदर COS या POS है कि नहीं, इस मॉलिक्यूल में COS या POS है कि नहीं, तो क्या आंसर आएगा, इस मॉलिक्यूल के पास COS या POS है कि नहीं, बोलो। सर POS है इसमें, इसके बाद POS तो होगा ही होगा, मैंने बोला इसके बाद POS है या COS है कि नहीं, COS देखो नहीं, इसके अंदर POS है, इसके पास देखो POS क्या है, ध्यान देंगे इसके बाद POS कैसे है, ध्यान देंगे ये POS है, जैसे मैं एक POS दिखा रहा हूँ इसके अंदर, कंटेनिंग दिस CCl बॉन्ड एंड CH बॉन्ड, इसको मिलाकर एक POS, समझ आया कि नहीं है, ये एक POS है, इधर और इधर सेम है कि नहीं है, दिस इज वन POS, तो ऐसे इसके पास टोटल कितने POS हो सकते हैं, टोटल POS कितने होंगे इसके पास, तीन POS, हाँ इसके पास तीन POS है, सही है, और इसके पास क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यस सर, कौन सी बता कुणाल, सर ये जो CCl बॉन्ड है उसके along एक लाइन, बहुत अच्छे, इसके अराउंड, दिस इज C3, C3 एक्सिस, इसके अराउंड मैं मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो कैसे है, इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से है ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को तुम ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे C के साथ CL ये ऊपर की तरफ और H, ये दोनों सेम इसी स्क्रीन के ऊपर, H जो है ये सेम स्क्रीन पर, ये H और एक दोनों H, बाकी दो H जो है, बाकी दोनों एच जो है ये ऐसे होंगे 3D के अंदर, ये एच तुम्हारी तरफ आता हुआ, ये एच तुमसे दूर जाता हुआ, समझिए, ये एच तुमसे दूर जाता हुआ, इस तरह से मॉलिक्यूल होगा,
इसको ऐसा एज्यूम करो, एक एच तुम्हारी तरफ आता हुआ और एक एच तुमसे दूर जाता हुआ, ये ऐसे होगा, समझ गए कि नहीं है? तो अभी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज इट इज हैविंग POS, इसका POS, और कैसा POS है मैंने तुम्हें बता दिया, तुम कैसा भी मॉलिक्यूल मान लो, जैसे मैंने माना ये POS, दिस इज अ POS, अराउंड इच मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल कंटेनिंग वन CCl बॉन्ड एंड वन CH बॉन्ड, तो ऐसे हमारे पास टोटल तीन POS आ सकते हैं, और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे मैं एग्जांपल तुम्हें दे चुका हूं पहले भी, ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही ना, ये मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो या डाइसिमेट्रिक हो, बोथ केसेस में मॉलिक्यूल काइरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एसिमेट्रिक कब होता है, जब उसके पास कुछ भी एलिमेंट ना हो सिमेट्री का, ना COS हो, ना POS हो, ना AOS हो, और COS POS नहीं है तो डबल AOS कभी नहीं हो सकता। और डाइसिमेट्रिक कब होगा, जब मॉलिक्यूल के पास रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स ना हो लेकिन रोटेटरी एलिमेंट्स में AOS हो, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डाइसिमेट्रिक। बट इन बोथ द केसेस मॉलिक्यूल विल बी काइरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तुम्हें यहाँ बता दिया था मैंने। अब जैसे मैं कोई भी मॉलिक्यूल लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नेक्स्ट सपोज मैंने एग्जांपल लिया इसके अंदर से, चलो ये एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने पूछा तुमसे इसमें, Cl और ले लिया Cl, ऊपर ले लेते हैं Br ले लिया। अब मैंने तुमसे पूछा क्या ये मॉलिक्यूल काइरल है, क्या ये मॉलिक्यूल काइरल है, चलो इसके अंदर ना एक बार तुम बताओ जरा, एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर काइरल सेंटर है कि नहीं, इसके पास POS है कि नहीं, इसके पास COS है कि नहीं, इसके पास COS, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, और एक और क्या रह गया, AOS है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं फिर करते हैं आगे इसको, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कार्य सेंटर है कि नहीं सर? है। एक बता दो फिर तुम्हें क्वेश्चन। हाँ, कौन बोल रहा है, आंसर बोलेंगे सर? कुणाल। हाँ कुणाल बोल। सर कार्य सेंटर तो है इसमें। हाँ, कितने है कार्य सेंटर का, कार्य सेंटर कितने हैं सर? तीन ही होंगे ना, तीन, या फिर सर अगर गलत है तो BR वाला नहीं होगा, ओनली हाँ BR वाला नहीं होगा ना। यस सर। तो कार्य सेंटर कितना बोलेगा इसको, एक दो। और एक दो, दो कार्य सेंटर्स। यस सर। क्लियर, टू कार्य सेंटर्स। अच्छा अब ये हो गया, अब बताओ इसके पास POS है कि नहीं? नहीं है सर। POS नहीं है इसके पास? नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम सोचोगे भी तो कहाँ से, BR की साइड से है ना, यही सोचोगे, लेकिन इधर CL क्या है, ऊपर की तरफ है, इधर CL दूसरी साइड क्या है, CL नीचे की तरफ, तो इट इज नॉट हैविंग एनी POS, समझे कि नहीं? अब COS है इसके पास कि नहीं? सर नहीं है। COS तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा इसमें, और ट्राइंगल वाले में तो कभी होगा ही नहीं, ऑड वाली रिंग में तो कभी होता ही नहीं COS, है ना? सेंटर से अगर हम डिस्टेंस इक्वल एक्सटेंड करें तो क्या हमें सेम एटम मीट कर रहे हैं कि नहीं, तो नहीं कर रहे हैं, तो इट इज नॉट हैविंग एनी COS। ऑप्टिकली एक्टिव, आप बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं है? सर होगा, इसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? यस सर, हो जाएगी अगर BR के अलोंग ही एक लाइन बनाओगे। हाँ नहीं, नीचे आ जाएगा सर। नहीं है तो BR तो नीचे नहीं आ जाएगा। यस सर, नीचे आ जाएगा, नहीं है। इसको 11th वाले बच्चे ऐसे सोचो एक बार, 11th वाले बच्चे सोच पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। 11th वाले बच्चे सोचो ऐसे, एक ट्राइंगल हवा में है, ऊपर वाले कॉर्नर पे BR ऊपर की तरफ है, नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे CL ऊपर की तरफ है, और राइट कॉर्नर पे CL नीचे की तरफ है। अब इसको कैसे भी करके देखो, क्या इसके पास एक्सिसोमेट्री आ पा रही है? अपसाइड डाउन कर दो, मतलब कहीं से भी लाइन ले लो, तुम एक कहीं से भी एक लाइन ले लो, POS तो दिख ही रहा है कि होगा ही नहीं कभी इसके पास, कहीं से भी एक लाइन ले लो, उसके अराउंड इस मॉलिक्यूल को घुमाओ, चाहो तो सेंटर से लोगे परपेंडिकुलर लाइन, उसके अराउंड घुमाओगे तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह BR, एक जगह BR है और दो जगह CL है, और या फिर BR के अलोंग एक एक्सिस बना दी इसी प्लेन में, उसके अराउंड करो, घुमाओ उसको, तब भी ये वाला CL क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा,
और देखिए बी आर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे सोचेंगे उससे निकलना चाहिए था, लेकिन बी आर अगर नहीं होता तो, समझिए कि नहीं है, समझ आ गया कि नहीं, तो एओएस नहीं है इसके पास, एओएस इसके पास नहीं है, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो अब मैं ना तुम्हें 5-7 एग्जांपल देता हूँ इसकी, जिसमें तुम्हें कायरल सेंटर, पीओएस, सीओएस, ऑप्टिकल एक्टिव और एओएस ये निकालना है, एक बार ये निकाल लेंगे जल्दी से, ये एग्जांपल मैंने तुम्हें करवा दिया है, नेक्स्ट अब नोट करेंगे। तो अब इसको इसको ट्राई करना है, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, है ना, इसको ट्राई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यहाँ पे इसका, जो जिसमें तुम्हें सीओएस पीओएस की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी यहाँ पे, सही है। तो नेक्स्ट निकालना इसके अंदर, अब मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम यहाँ पे, चलो पहले बी लिया, एफ एफ, फिर ले लिया एफ एफ, तीसरा ले लिया एफ एफ एफ, फोर्थ ले रहे हैं एफ एफ एफ, फिफ्थ ले लेते हैं इसमें एफ एफ आई, और सिक्स्थ एफ डी टी। चलो इन ये मॉलिक्यूल्स में मैं लिख दिए हैं, सबने नोट कर लिया होगा, एक बार इसके अंदर निकालना तुम्हें, सही ना, इन सबके अंदर तुम्हें निकालना है, पहला तुम्हें निकालना है कार्य सेंटर्स, दूसरा निकालना है पीओएस, तीसरा सीओएस और चौथा कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव और कायरलिटी एक ही बात होती है, और कायरलिटी कायरलिटी और रिजॉल्वेबल और आइसोलेबल, ये भी लिख देना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, आइसोले, ये सारे वर्ड यूज होते हैं, रिजॉल्वेबल रिजॉल्वेबल और लास्ट क्या लिखना है आइसोलेबल, आइसोलेबल ये एक ही बात है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिजॉल्वेबल, आइसोलेबल, नोट कर लेना, लास्ट लिख देना एओएस, नोट कर लिया पूरा ये लास्ट के AOS. ये तो लास्ट कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड में ऊपर है F, फिर D, फिर T, ऊपर F है, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, देखो क्वेश्चन नोट कर लिया कि नहीं, यस सर, चलो हाँ ट्राई करो उस क्वेश्चन को,
चलो एक बार आंसर सुनना, अब आंसर देखेंगे एक बार। चेक करो आंसर एक बार। पहला केस, जब FF आया, FF, तो इसमें काले सेंटर है कि नहीं? सर दो सेंटर है। हाँ दो काले सेंटर है, चेक करेंगे एक बार। दो काले सेंटर, सही ना, काले सेंटर कितने हैं? टू। POS है कि नहीं? है सर। है POS है सब। जिसको नहीं समझ आएगा पूछ लेना। हाँ जिसको नहीं समझ आएगा पूछ लेना, यहाँ से कटता हुआ ऐसे, यहाँ से कटता हुआ ऐसे, दोनों एफ ऊपर की तरफ दिखेंगे, तो POS है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? ये तो कभी होगा ही नहीं इस ट्राइंगल में। सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी ट्राइंगल में आएगा क्या? नो सर, नहीं सर। तो इसको तो मैं हाँ हर जगह क्रॉस कर रहा हूँ मैं। पांच की रिंग में, तीन की रिंग में, सात की रिंग में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? ये ऑप्टिकली एक्टिव, कायरलिटी, रिजॉल्वेबल या आइसोलेबल है कि नहीं? ये आइसोलेबल बिल्कुल। हाँ इसमें पीओएस आ गया, पीओएस या सीओएस कुछ भी आ गया तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो क्रॉस। और एओएस है कि नहीं इसमें? एओएस बोल कुणाल। हाँ नहीं होगा, एओएस भी नहीं होगा। कैसे भी लाइन ले लो, या तो परपेंडिकुलर लाइन ले लो इस पॉइंट से, या इसी प्लेन में मानते हुए एक लाइन ले लो ऐसे, एओएस नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट बताएंगे हम। अब इसमें कार्य सेंटर कितने हैं? फास्ट सर तीन। कार्य सेंटर कितने हैं इसमें? सर दो। दो कार्य सेंटर। अच्छा पीओएस बोलो जल्दी। नहीं है सर, नहीं होगी, नहीं है। हाँ नहीं आएगा कभी भी। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर? होगा सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और एओएस होगी सर? सर होगा। हाँ एओएस कैसे होगा? C2 हाँ C2। यहाँ से अगर तुम इधर से, इधर से जो सेम प्लेन में लाइन है, इधर से मॉलिक्यूल को घुमा दो, इधर से मॉलिक्यूल को घुमा दो तो आ जाएगा यहाँ पे, सही ना, तो आ जाएगा। इसीलिए इसके पास एओएस है C2। नेक्स्ट, अब इस वाले केस में तीनों एफ जब ऊपर की तरफ है, अब बताओ उसमें काले सेंटर है कि नहीं? बोलो काले सेंटर है कि नहीं? नहीं है सर। बिल्कुल सही है, नहीं होगा सर, कोई काले सेंटर नहीं होगा। हाँ किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो दो जगह वैलेंसी सेम आएगी, एफ ऊपर की तरफ, इसलिए काले सेंटर नहीं है इसके अंदर। पीओएस होगी सर, पीओएस होगा इसके अंदर, पीओएस इसके अंदर होगा। अच्छा COS तो कभी होगा नहीं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगी, सही ना। नेक्स्ट AOS होगी सर, P3 एक्सेस AOS। हाँ ये सम्यक बता कैसे होगी सर? स्टीयरिंग रोटेशन C3 एक्सेस। बहुत अच्छे सम्यक, बहुत अच्छे सम्यक, का आंसर बेस्ट आंसर दिया इसने अभी तक, ये वाला C3। इस पॉइंट से सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ले और उसके अराउंड शेयरिंग रोटेशन, उसके अराउंड शेयरिंग रोटेशन करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट बताएंगे, कायरल सेंटर दो, कायरल सेंटर सर दो होंगे, दो? यस सर, यस सर दो। कोई डाउट किसी को कायरल सेंटर में? चिराग बोल सर। नहीं होंगे, नहीं होंगे, देख एक बार। दक्ष एक बार आंसर कर, दक्ष सर दो। हाँ दो कार्य सेंटर, दो कार्य सेंटर आएंगे इसमें कि नहीं? यस सर आएंगे। सर पिछले वाले केस में नहीं माना था आपने, पिछले वाले केस में तो देखना, इधर ढंग से देख एक बार, इधर इस पॉइंट से अगर तू जाएगा, देख ध्यान दियो सर, पिछले वाले तो सबसे एग्जांपल से पहले वाला था, जिससे पहले एग्जांपल दिया था सबसे पहला सर। एक लास्ट स्क्रीन ओपन करना है एक बार,
एक मिनट सर ये नहीं सर वो बीआर वाली मतलब ब्रोमीन वाला था ना एक हाँ ब्रोमीन वाला क्या लिया था मैंने बताया जरा सर उसमें तीन होने चाहिए फिर कायरल सेंटर हाँ सर आपने उसमें नहीं लिया था जब मैं बोला था एक मिनट ब्रोमीन वाला मैंने एक बार बताया मैंने क्या चीज माना था ऊपर माना था मान ले बी मान लिया था नीचे ए ए मान लिया था ऐसे कुछ था हाँ सर एक नीचे मान लिया था सर इसमें डैश पे था एक नहीं इस वाले पे तो कार्य सेंटर नहीं आएगा ना इस वाले पे सर एक डैश पे था एक सर एक ए डैश पे था एक दो डैश पे थे एक वेज पे था ऐसे था नहीं दो वेज ऊपर वाला बी और नीचे राइट वाला लेफ्ट वाला ए तो वेज पे था और राइट वाला ए डैश पे था सर मतलब एक ए डैश डैश पे था एक ए वेज पे था हाँ ये था ऊपर ऊपर बी वाला वेज पे ही है यस ये था तो इसमें कितने कार्य सेंटर थे सर आपने दो बोले थे फिर हाँ तो इसमें दो ये वाला आएगा ना देख एक मिनट इसमें मैं ले लेता हूँ इस वाले कार्बन को तो अब इधर इधर गए डिफरेंट समझा कि नहीं यस सर और बाकी अब ऐसे इसको ले ले इधर गए डिफरेंट अब ऊपर जब लेगा तब क्या आएगा अच्छा सीओ2 कार्य लाएंगे ना इसमें सारे ऊपर जब लेंगे तो इधर आया ए ऐसे तीन हो जाएंगे इसमें ये कह रहे ना यस सर हाँ इसमें सीओ2 कार्य वाले केस आ जाते ना दोनों साइड सेम आ रहा है इसमें दो लिए थे इसमें आएगा नहीं है ना इसमें वैसे नहीं आना चाहिए ऐसे अकॉर्डिंग लेकिन फिर अगर ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर इसमें तो आएगा इसमें हाँ इसमें एक काम करो इसमें ना तुम इसको एक जैसे ट्रीट करो सबको अभी इस समय सूडो कैरल इंक्लूड करना है नहीं करना वो देख के लेना पड़ता है इसमें तो एक बार इसमें मैंने दो लिए थे ना इसी के अकॉर्डिंग चलो फिर सारा इसी के अकॉर्डिंग चलो सारा अगर सेम आ रहा तो कैरल सेंटर मत मानना तो इसमें कितना आएंगे कैरल सेंटर आएंगे कि नहीं आएंगे जीरो आ जाएंगे फिर इसमें तो बताओ इसमें आएंगे कि नहीं सर दो आएंगे दो जीरो हो जाएगा इसमें तो इसमें कैरल सेंटर आएंगे कि नहीं अब नहीं सर फिर इसमें कार्य सेंटर नहीं आएंगे मैंने बोला ना इसमें कार्य सेंटर सीडो वाले इंक्लूड नहीं करने समझे कि नहीं तो इसमें क्रॉस करेंगे जैसे था वैसे ही चलना है एक ही तरीके से इसमें कार्य सेंटर नहीं आएगा नेक्स्ट पीओएस सर इसमें दो नहीं होंगे दक्ष वैसे लेना इसको देख इधर ये सी ले लिया इधर गया सेम इधर गया सेम इधर गया सेम सेम तो आ रहे हैं दोनों साइड सर सेम नहीं आ रहे ना अभी इधर किया था ना ये देख जब ये लिया था हमने इसको एक एफ ऊपर की तरफ है एक एफ नीचे की तरफ है तो वो सेम नहीं आना एक मिनट गया जब ये लिया मैंने इसमें मैंने कितने बोले थे कार्य सेंटर भी एक बना ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता ही है एक बार देख लेंगे कुछ नहीं होता ये देखो ये वाला एक मिनट इसके एग्जांपल को ना एक बार सीओडो वाले को ले नहीं ले उसके अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें देखो इसमें कितने कार्य सेंटर आए थे इसमें दो आए थे ना ये वाला और ये वाला ये दो आ गए थे ना ये वाला ये पॉइंट और एक ये पॉइंट बी वाला नहीं लिया था हमने कार्य सेंटर ना बी वाले में हमने क्या माना इधर ए गए इधर गए सेम मान लिया था ना इधर बी के साइड दक्ष क्लियर हुआ ये सर बी वाले को आप सूडो बोल रहे हो बी वाले को हाँ बी वाले को सूडो कैरल मान रहे हैं उसको कि दोनों साइड सेम आ गया ना इधर ए और इधर ए तो उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करेगा ना तो फिर इसमें कैरल नहीं आएगा कोई भी सर दोनों साइड ए आ रहा है लेकिन इसमें ए के ऊपर और ए के नीचे आ रहा है ना तो वो अलग अलग नहीं हो गया एक मिनट गया तो ऐसे तो दक्ष इसको देख एक बार तू इस वाले कार्बन को देख इसमें एक एफ ऊपर आया और एक एफ नीचे आया ऐसे ही बी वाले को देख इसमें एक ए ऊपर आया और एक ए नीचे आया तो मैंने बी वाले को नहीं माना ना कैरल
सर मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो होना चाहिए ना, क्योंकि ए के ऊपर ए के नीचे है तो वो अलग अलग कंसिडर हो गए। दक्ष इसमें ऊपर नीचे वाले केसेस में किसी को भी मत ले, मैं एक तरीके से ट्रीट कर इसको सबको। सर इसे ऐसे नहीं कर सकते आरएस करके कि एक आर आधा वाले कैसा रहा ऐसे करके, अगर दोनों सेम आए तो मैं कह रहा हूँ कि सीडो कैरेट वाला केस, सीडो कैरेट वाला केस मत लो अभी, अगर सेम आ गया चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मतलब उनको कैरेट मानो ही मत। नहीं तो ऐसे ना, मैंने पीछे भी एग्जांपल दी थी उसमें भी मैंने कायरल उसको नहीं माना था, मैंने बोला था ना ये बड़ा सा एग्जांपल लिया था मैंने ये इस टाइप का कोई, तो इसमें बताया था कि यहाँ पे बीच में अगर इस साइड सेम आ जाते हैं, ध्यान आया कुछ की नहीं, तो मैंने उसको कायरल नहीं माना था, मैंने उसके राउंड सिमेट्री का, तो इसीलिए इसीलिए इसको मत मानना था। हमें उसमें हमें लेफ्ट और राइट की कॉन्फिगरेशन नोन नहीं थी ना, इसमें तो नोन है। एक बार दक्ष एक मिनट सुन, अगर मैं इसमें एग्जांपल लेते हैं, अगर ये वाला सी एच ओ एच ओ एच एच ओ एच सी एच ओ, या फिर बीच में भी एक एच ओ एच लगा दिया, अब इसमें बीच वाला क्या है, बीच वाला क्या है, स्यूडो कैरेट है कि नहीं? Yes, sir, है। बीच वाला स्यूडो कैरेट आएगा ना इसमें, ऊपर शायद आ रहा है, नीचे ऐसा आएगा, दक्ष समझा कि नहीं? Yes, sir. तो इसको और, हम बोलेंगे ना कैरेट, हाँ इसको कैरल बोलेंगे हम, सही ना, इसको मैंने निकाल के देख लिया कैरल बोल दिया, सीडो कैरल अगर पूछा है तो, है ना। और अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ दोनों एग्जांपल मैंने एक जैसी ली ना, देख इसमें क्या लिया मैंने, मैंने क्या किया अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था ए, और इसको भी ए मान ले, और ऊपर ले लिया मैंने वेज पे बी, यही लिया था ना, तो मैंने इसमें दो कैरल बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, और नहीं तो अगर इसको लेंगे तो तीन कैरल हो जाएंगे। अगर सेम एटम मीट हो रहा है चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो तो उसको कैरेट मत माना भी। सर लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही बोल रहा हो कि कैरेट कार्बन्स कितने होंगे तो मत मानियो, अगर सेम एटम से मत मानियो कैरेट। सर लेकिन अगर हम ऊपर वाले से बोल रहे हैं कि लेफ्ट और राइट में सेम चीज आ रही है, दक्ष एक 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 क्वेश्चन पूछा हूँ, जैसे ना इसमें ना हम एक्चुअली में कायरलिटी की बात करते नहीं है, मैंने क्वेश्चन ले लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ ये, देख हम इसमें कायरलिटी की बात क्यों नहीं करते, मान ले अगर मैं तेरे से इसमें पूछता हूँ सी एल सी एल और सी एल, ये दे दिया मैंने तेरे को, मैंने तेरे से पूछा इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर स्टीरियो सेंटर की, मैंने पूछा इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, क्या बोलेगा? इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियो सेंटर, ये कितने हैं, ये क्या बोलेगा इसके अंदर? एक ही आएगा सर, एक ही आएगा, सिर्फ सिर्फ एक ही आएगा दक्ष इसमें, ये दक्ष अभी मैं जैसे बता रहा हूँ तू वैसे सीख ले, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा अभी आगे जाके एग्जांपल जब लेंगे और। ओके सर, अभी ऐसे ही सीख ले तू इसको, अभी जल्दी से खत्म करते हैं पहले मेन टॉपिक, मेरे को ना थोड़ा सा एक टॉपिक नया लेना था अमीन इन्वर्जन, तो इसमें कैरेट सेंटर नहीं है कोई, और पीओएस होगी सर, पीओएस तो है ना, हाँ मेन हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है, मेन हमें पीओएस सीओएस ऑप्टिकल एक्टिविटी और एओएस बताना है कैरेट सेंटर पे, चलो मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से ध्यान दे देना, अदरवाइज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है सर, नहीं है, और एओएस नहीं है, एओएस भी नहीं होगी इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आई वाला आई एफ एफ ये वाले केस में, ये तो सेम ले लिया ना, नहीं आई कर दिया उसको, एक आई ले लिया ना, एक डिफरेंट कर दिया ना, अब इसमें आएंगे जल्दी से दो कैरेट सेंटर, इसमें कितने कैरेट सेंटर आ जाएंगे? दो कैरेट सेंटर, और कैसे आए, कौन कौन से है पता लग गया ना, एफ वाले दोनों सर नीचे दोनों, नीचे वाले दोनों, अच्छा, और पीओएस है सर, पीओएस नहीं है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, और एओएस नहीं है, नहीं है, अब लास्ट वाला केस थ्री कैरल सेंटर सर है,
हाँ थ्री कार्डिनल सेंटर है। हाँ इसमें तीन कार्डिनल सेंटर है। यस सर ये तो सब अलग है ना। और पीयूएस नहीं है बिल्कुल हो ही नहीं इस तरह भी। सेंटर सिमेट्री नहीं है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी ये मुकुल तेरे घर से आवाज आ रही है क्या? नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही है फिर? म्यूट कर लेंगे अपने आपको जहां से आवाज आ रही है। नेक्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा सर। ऑप्टिकल एक्टिविटी बिल्कुल होगी इसके अंदर। अच्छा लास्ट केस एओएस नहीं है। चलो ये तो मैं समझ आ गया ना। अब मेरे को बताना इन्हीं कंपाउंड में से मीजो कौन सा है। इन्हीं कंपाउंड में से मीजो कौन सा होगा? सर कोई भी नहीं होगा। सर पहला दूसरा और आखिरी के दोनों। पहला दूसरा और आखिरी के दोनों। चलो और तुम्हें से कौन सा आएगा? दूसरा नहीं होगा। और कोई, कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। अच्छा एक बार ये 12th वाले बच्चों में से लक्ष्य श्रेया दक्ष तू भी आंसर कर मीजो कौन सा इनमें से? वन और फाइव। दक्ष फाइव कैसे आ गया मीजो? लास्ट वाला मीजो कैसे आ सकता है? क्या उसमें सिमेट्री आ रही है कोई भी? सेकंड लास्ट होगा। देखो मीजो इसमें सिर्फ दो हैं, फर्स्ट और सेकंड लास्ट। चिराग का सही है बिल्कुल। दक्ष फर्स्ट वाले में काइले सेंटर हैं दो, पहली कंडीशन। दूसरा प्लेनो सिमेट्री होना चाहिए, प्लेनो सिमेट्री आ गया इसके अंदर इसलिए। और ऐसे ही सेकंड लास्ट वाला इसमें काले सेंटर है दो और प्लेनर सिमेट्री आ रही है इसलिए मीजो है। समझे कि नहीं? बाकी थर्ड लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, वो तो हाईली अनसिमेट्रिकल है। नहीं समझाई बात? पर वो 50 है ना सेकंड लास्ट। अच्छा तूने फिफ्थ बोला हुआ है। अच्छा मुझे फिफ्थ लास्ट सुनाई दिया। सही है। हाँ दक्ष सही है तेरा। अभी क्लियर हो गया कि नहीं है? ये सीओएस पीओएस निकालना आ गया कि नहीं? Yes. अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन जल्दी से बताना इसका आंसर। एक दो ले लेंगे जल्दी से बोल रहा आंसर इसके। सपोज मैंने ले लिया ये कंपाउंड वेज पे एफ है और इधर भी वेज पे एफ है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। इसमें डैश पे एफ है F. हाँ पहले केस में बताओ काइले सेंटर जीरो नहीं है। काइले सेंटर यहाँ पे जीरो जीरो पीओएस भी नहीं है। और पीओएस ना पीओएस है पीओएस है पीओएस है इसके पास। और मुकुल तू अपना म्यूट करके रख, मेरे को तेरे पास से आवाज आ रही है। ओके अच्छा पीओएस है यहाँ पे। नेक्स्ट सीओएस नहीं है सर। सीओएस नहीं हो क्योंकि एक जगह दोनों के दोनों एफ ऊपर है। yes. और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। नहीं होगा। एओएस है सर। होगा सी टू बिल्कुल होगा। सी टू परपेंडिकुलर इस पॉइंट के। लास्ट बोल देंगे जल्दी से एक बार इसमें सर। जीरो काइरल सेंटर। जीरो काइरल सेंटर। प्लेनो सिमेट्री होगी। स्टार्ट कर रहे हैं अभी। प्लेनो सिमेट्री होगा। हाँ सेंटर सिमेट्री भी होगी। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा और एओएस भी होगी।